चलो देखिए दोस्तों, ये बड़ा मतलब रोशनी आ रहा है बाहर से, और इस तरह से समय है रोशनी तो सुबह के समय आए कभी, और रात के समय का जो टाइम है वो लहराए रे साड़ी, तो देखिए लहरा रहा है साड़ी, और कैसे लहरा रहा है, और कितना मस्त लग रहा है जो लहरा रहा है साड़ी। भी अच्छा होना चाहिए ना साड़ी पहन रही हूँ, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। सुंदर है साड़ी, और इसका ना मैं जब इस तरह से खड़ी होती हूँ तो ये लहरा, ये जो साड़ी है इसके बगैर बहुत सुंदर साड़ी है। दोस्तों अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, चैनल पर नहीं तो बैठा दूँगी सब्सक्राइब करना, ताकि मम्मी सब मिलते हैं। और देखिए मैं आपको कह रही थी कि इसको थोड़ा सा खोल लूँगी, आ जाओ ये ज़्यादा साड़ी अच्छा लगेगा दोस्तों में। और साड़ी को खोलने में साड़ी साड़ी खोलने से इसका बहुत अच्छा हो जाएगा, और बहुत लंबा साड़ी है, और मैडम कांचों को ऐसी तरह से लगाया है नीचे का। सुंदर लग रही है साड़ी, तो साड़ी पहन लिया। बस यहाँ पर हमको पिन लगाना है, मैं पिन नहीं लगाई हूँ कहीं साड़ी, पिन नहीं लगाई हूँ यार, इस टाइम मैं नहीं लगा यहाँ पर पिन लगानी थी, पिन लगा ली हूँ, सेफ हो गए हैं, देख रहे हो साड़ी। बस इस वीडियो में इतना ही, लहरा दिया साड़ी, दिखा दिया साड़ी, और क्या दिखा, बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रानी मस्तानी, और आप आए हैं मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज मार्केट गए, मार्केट से थोड़ा सा सब्ज़ी लेकर आए मेरे हस्बैंड, और क्या बनाऊंगी मैं सोच रही हूँ, डिसाइड कर रही हूँ। तो देखिए सब्ज़ी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी लेकर आए हैं, क्योंकि इतनी ही सब्ज़ी ख़त्म करने में मेरा कितना दिन लग जाता है, खाते नहीं हैं बच्चे। ये सब्ज़ी है ये करेला, भिंडी और बैंगन, और ये टमाटर लेकर आए हैं। सब्जी पहले से ही फ्रिज में रखा हुआ है, लौकी है, पपीता है, और पटल भी रखा हुआ है फ्रिज में। इतना अभी लेकर आए तो सोच रहे क्या बनाऊँ, तो ये बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ, बैंगन आलू की सब्ज़ी। पसंद नहीं है मेरे हस्बैंड को, पर इसको अच्छा से मैं बनाऊँगी, क्योंकि दोपहर की सब्ज़ी बचा है तो खा लेंगे। ख़राब होता है क्या सब्ज़ी बनाऊँ क्या नहीं, बच्चे के लिए सोचो, हस्बैंड के लिए सोचो, घर पे सबका अलग अलग डिमांड है, जितने आदमी उतनी डिमांड है, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, ये बना दी वो बना दी, अरे बनाए क्या बनाए, दिमाग खराब। जो मार्केट में मिलता है सब्ज़ी वही ना बनाएंगे, और ऐसे ही दिमाग ख़राब होते रहता, सब्ज़ी 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 क्या बनाऊँ, मैं तो जो मिलता वो खा लेती हूँ। नखड़े तो यही लोग का 10 10 टू नखड़े हैं, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे,
परेशान कर देते हैं कि ये बनाओ बनाओ, और हम लोग काम बनाते बनाते थक जाते हैं। इसके लिए वो, उसके लिए वो, मतलब होटल बना के रखा है जिसके बहुत लोगों के घर में सब खा लेते हैं, जो भी बनता है। बहुत घर में देखी हूँ, जो बनता है, जो भी बनता है, सब मिल के खा लेते हैं, बच्चे हुए बड़े हुए। पर हमारे घर में ना शुरू से नखड़ा है, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये बना दी, वो बना दी। आई मैं कितना काम करूँ बताओ, रानी हो कि नौकरानी, फिर भी करना पड़ता है सोच सोच के जो बोलते हैं। हाँ, कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, हमको नहीं खाना है, मंगा लीजिए सब्ज़ी वब्जी, करके गुस्सा हो जाती हूँ। तो फिर उसके बाद मंगा लेते हैं हस्बैंड, फिर खाते हैं हम। तो देखिए सबको हम ऐसे जमीन में सबको रख के फ्रिज में रख देंगे सब्जी सबको। और हेलो दोस्तों, मैं हूँ रानी मस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और मैं इस तरह से लहरिया का साड़ी पहनी हूँ येलो कलर में, आप देख रहे हो। ये ना बार बार इस तरह से फिसल के गिर जाता है, ये देखिए इस तरह से लटक जाता है। तो मैं इसको खुला करके पहनती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है। पर अभी मैं इसको इस तरह से फोल्ड की हूँ, खोल दूँगी थोड़ी देर में। और इसमें लहरिया साड़ी आप जानते ही हैं, इस तरह से साड़ी है, लहरिया का साड़ी, लहर लहर लहराए रानी मस्तानी का साड़ी इस तरह से लहराता है साड़ी। और इसमें तीन कलर है, पर्पल है, येलो है, ग्रीन है, इसमें तीन कलर मिले हुए हैं। तो कैसे है दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं सुबह ये बना रही हूँ ब्लॉग, नहा के आई हूँ और ये साड़ी पहनी। तो कैसा लग रहा है दोस्तों बताने, साड़ी बहुत ही अच्छा साड़ी है, सॉफ्ट है, बहुत मतलब मुलायम, बहुत सॉफ्ट साड़ी है ये। और चलिए फिर हम कुछ और दिखाते हैं आपको व्लॉग में, क्या दिखाते हैं। तो देखिए मैं बागान में आ गई हूँ, बागान मतलब मेरा घर बन रहा है, तो जैसे तैसे पूरा पूरा घास घास हो गया है आप देखेंगे। तो देखिए मैं दिखाती हूँ, अरबी पत्ता बोलते हैं, ये अरबी पत्ता है, इसका मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखिए ये एक तो फूल है, ये करी पत्ता का गाँच है, कितना बड़ा सा हुआ है करी पत्ता का। ये फूल का ये चंपा चमेली जो फूल बोलते नहीं है, देखिए इस तरह से फूल होगा और बहुत ही सुंदर महक आता है इस फूल का, मत बोलिए। इसको तोड़ने से टूट जाता है, इस तरह से इस चंपा का ये फूल है। और ये मुनगा का गाँच है, आप देख रहे हो मुनगा पत्ता, अब किस मुनगा पत्ता बहुत लोगों को पसंद आता है। और एक फूल, एक फूल गाँच है एक, इसमें बहुत सुंदर फूल होता है, हम आपको दिखाएंगे पूजा रूम में, हम लगा दिए तोड़ के सुबह में। तो ये देखिए इस तरह से कली होता है और इसका फूल बहुत ही सुंदर, बहुत ही डिजाइन से फूल होता है। और देखिए हमारे बगान का हाल, ओ माय गॉड, देखिए कैसे लोहा हुआ गिरा हुआ है, और चलूँगी तो चोट आ जाएगा, इस तरह से पूरा बिखरा हुआ है, बालू वालू सब गिरा हुआ है, हालत जो ख़राब है बोलने का नहीं है। तो ये बगान भी सफाई होगा। और ये देखिए एक तो ये फूल है, ये गोवा से लेकर आए थे, ये ला फूल गोवा गए थे ना, तो वहाँ से ये गाछ लेकर आए थे। और ये देखिए ये है वाइट फूल, इसमें बहुत सारे फूल होते हैं जो पूजा के लिए तोड़ा गया। और नीचे देखिए कितना सारा गिरा हुआ है। और एक घर, एक किचन बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी है। तो देख लिया मेरा बगान कैसा है, बगान नहीं ये मतलब पूरा एकदम कैसे हो गया है, इसको सफाई कराना ज़रूरी है। पूरा लोहा और ईंटा वटा सब गिरा हुआ है, आप देख रहे हैं पूरा कचरा हुआ है पीछे की तरफ में, अब इसका सफाई करना बाकी है, आएगी तो सफाई करेगी। दोस्तों ये है पूजा रूम, और हम सुबह पूजा कर चुके हैं पूजा रूम में। और ये हमारा सब भगवान है, सब भगवान का फोटो है, देख सकते हो ऊपर में भी, इतने सारे भगवान का सब फोटो है साइड साइड। एक घंटी है, देखिए घंटी टन 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 घंटी बजेगी। और एक काली माँ का फोटो है, ये दुर्गा माँ है, और यहाँ सब भगवान है, सबको खाना वाना दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे साईं भगवान है, गणेश जी है,
तो हम आपको जो फूल दिखा रहे, देखिए देखिए इसमें वाइट फूल होता है, देखिए इस तरह से वाइट फूल होता है, देखिए वो गांच में देख रहे हो, इसको तोड़ के मैं लगाई हूँ, इस तरह से वाइट फूल होता है, बहुत सुंदर कलर है इसको, टगर की क्या बोलते हैं इस फूल को पता नहीं। तो मेरा पूजा तो हो चुका है और भगवान को भी हम पूजा कर चुके हैं। दोस्तों देखा आपने यहाँ हमारा पूजा रूम बगान, तो कैसा लगा बोलना। और ये देखिए साड़ी, ये साड़ी इस तरफ मैं बैठ गई हूँ और ये साड़ी तो बहुत ही पुराना साड़ी है।